हे गाइस, अगर आप भी इंस्टाग्राम के यूज़र हैं और अपने इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी लगाते हैं तो आपको नो इंटरनेट कनेक्शन एंड वेटिंग फॉर कनेक्शन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है और आपकी स्टोरी नहीं लगती है और आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है, कुडेंट अपलोड रीट्राई का। आप रीट्राई पे क्लिक भी करते हो तो पोस्टिंग का ऑप्शन शो होता है, फिर सेकेंड वो राउंड होकर फिर से आपको वही प्रॉब्लम शो होता है। आपका इंटरनेट चल रहा है, आपका डाटा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तब भी आपकी स्टोरी नहीं लग रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है बिना किसी स्किप के। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो कि वेटिंग फॉर कनेक्शन रीट्राई का ऑप्शन आपको देखने को ना मिले। सिंपली होम स्क्रीन पे आना एंड प्ले स्टोर को ओपन कर लेना, फिर आपको सर्च करना है सर्च टैब के अंदर इंस्टाग्राम। जैसे सर्च करते हो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है। इंस्टाग्राम ऐप को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और आपको देखना है यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम अपडेट मांग रहा है तो सिंपली आप इसको अपडेट कर लीजिए, नहीं मांग रहा है तो कोई बात ही नहीं। एंड उसके बाद आपको आना है अपने होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद गाइज आपको यहाँ से आना है अपने फ़ोन की सेटिंग में। जी हाँ गाइज, फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद आपको स्क्रॉल करके आपको ऐप में आना है एंड ऐप मैनेजमेंट पे आना है। देन उसके बाद आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है अपने इंस्टाग्राम ऐप को। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम ऐप, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ से स्टोरेज यूजेस का, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है, आपको क्लियर डाटा क्लियर जैसे का, तो आपको इसको क्लियर करा लेना है। देन बैक करके आपको पूरा बैक नहीं करना है, आपको पीछे आना है एक स्टेप एंड उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा डाटा यूजेस का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है डिसेबल मोबाइल डाटा डिसेबल वाईफाई, यानी कि अगर आप इसको ऑन करते हो तो आपका मोबाइल डाटा भी डिसेबल हो जाएगा, वाईफाई भी डिसेबल हो जाएगा। अगर आप में इस तरीके से ऑन हो तो आपको इसको क्या करना होगा, इस ऐसे ही बंद कर देना है। देन आपको बैक करके सीधा सिंपल से अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना है एंड सब कुछ क्लोज करके आपको अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर देना है। देन ऑन करना है, फिर डाटा ऑन ऑफ करना है और अपने फ़ोन को एक बार फ्लाइट मोड पर लगाना है एंड उसके बाद गाइज आपको ओपन करना है अपने इंस्टाग्राम ऐप को। जी हाँ गाइज, देन अब आप स्टोरी लगाओगे तो आपकी स्टोरी देख सकते हैं, जो पहले अटकी थी मेरी वो लग चुकी है एंड आप नई स्टोरी लगाना चाहते हो तो कैमरे पे क्लिक करके आप यहाँ से गैलरी के अंदर जाके, आपको पता ही होगा स्टोरी कैसे लगाते हैं, तो आपको अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करा लेना है जो पिक्चर आप लगाना चाहते हो, फिर आपको यहाँ से शेयर कर देना है। जैसे शेयर करते हो आपको यहाँ पे देख सकते हैं फ्यू सेकंड लेगा और आपकी स्टोरी यहाँ से पोस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको आप कुडेंट अपलोड या नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं मेरी स्टोरी यहाँ पे लग चुकी है, तो आप भी इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। सो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के गाइस इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।